हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए। यही नहीं, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आज इस बहस में आज का मुद्दा यही है कि क्या कोरोना से कोई बच पाएगा, क्या कोरोना का महाकहर अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, कोरोना पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील करने वाले, खुद के स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहने वाले और दूसरों को भी बीमारियों से बचने की सलाह देने वाले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी कोरोना से बच नहीं पाए। कोरोना कहां से आया अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस ना दिखने वाले वायरस ने उनके साथ साथ बेटे अभिषेक, बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या को भी चपेट में ले लिया। आज ही देश में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए। इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,000 से ज्यादा नए केस, 551 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना संक्रमण के लगभग 8.5 लाख मामले। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी हुआ कोरोना। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना संक्रमित। अनुपम खेर की मां भी कोरोना वायरस की चपेट में। महाराष्ट्र राजभवन के 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से यूपी में अब हर शनिवार और रविवार को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध। सरकार भी काफी इंतजाम कर रही है, लेकिन फिर भी स्थिति बढ़ती चली जा रही, पब्लिक मानती नहीं है। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कोविड-19 के चक्कर में। क्या कोरोना का महाकहर अभी बाकी है? और इस मामले में बातचीत करने के लिए जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। शहनवाज हुसैन साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। शुभा राउल हैं, शिवसेना की प्रवक्ता, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, कैंसर सर्जन हैं। और डॉक्टर राजेश पारिक मनोचिकित्सक हैं जसलोक अस्पताल में, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। शहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले तो आप ही के पास मैं आना चाहूंगा, और जरा ये बताइए, जिस तरीके से अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यहां तक कि अब वो तबका जो सुविधा संपन्न है वो भी नहीं बच पा रहा है कोरोना के संक्रमण से, जो तमाम एहतियात बरतता होगा, तो क्या ये मतलब निकालें कि सरकार ने अब लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, सरकार अब बेबस है कोरोना के आगे? देखिए अगले जी, ये बीमारी ऐसी है जो न अमीर देखती है न गरीब, न काला न गोरा, न देश की सीमा, न जात और धर्म। इस बीमारी की महामारी से बचना है तो उन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप को उससे बचा के रखें। ये सही है कि अमिताभ बच्चन जी का पूरा परिवार इससे पॉजिटिव हुआ है, कई फिल्म इंडस्ट्री के अनुपम खेर जी के परिवार के लोग हुए हैं और कई राजनेता के भी परिवार के हुए हैं, कई गरीब भी हुए, कई अमीर भी हुए। अब कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उस पर बहुत सख्ती से अमल करना होगा। ऐसे जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, लेकिन उन सब लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो चीजें बताई गई हैं उस पर अमल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई, वही लोग बच रहे हैं जो अपने आप को इससे बचा रहे हैं। और जहां तक पूरी दुनिया में कोरोना का सवाल है, उसके मुकाबले में भारत में एक अच्छी बात है कि इसके अंदर ठीक होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। अभी कई राज्यों में भी जहां कोरोना नहीं था, हमारे यहाँ ही बिहार में, हमारे यहाँ भागलपुर में, तो हमारे जो डीएम थे वो पॉजिटिव हो गए, ऐसी कई खबरें आ रही है। तो जो लोग सेवा में लगे हैं, चाहे पुलिस के लोग हों, प्रशासन के हों, या अधिकारी हों, राजनेता हों, या फिल्म कलाकार हों, कोरोना ऐसा है जिसके पास आंख नहीं है, वो कुछ नहीं देखता। नहीं, नहीं, वो शहनवाज हुसैन साहब, तो आप सही कह रहे हैं कि कोरोना के पास कोई उस तरह की आंख नहीं है जिससे वो गरीब अमीर को देखे, लेकिन मेरे सवाल का जो संदर्भ है उसे आप लोग समझिए जरा। और शुभा राहुल जी, अब आपसे मेरा सवाल है, मैंने जब अमिताभ बच्चन का जिक्र किया तो बड़ा उसका सीधा सा मतलब है कि अमिताभ बच्चन एहतियात नहीं बरतते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं,
तमाम तरह की सुविधाएं उनके पास है, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे, बहुत अनुशासित है वैसे भी व्यक्तिगत जीवन में, उनके पास वो तमाम साधन है, सुविधाएं हैं जिसके जरिए वो लोगों के संपर्क में नहीं आते होंगे, इन बातों का वो ख्याल रख सकते हैं और बिना लोगों के संपर्क में आए भी उनका जीवन चल सकता है, इस तरह के इंसान है वो। तो मेरा सवाल यही है कि जब ऐसे लोग भी कोरोना के शिकार बन रहे हैं तो हम क्या मतलब ये निकाल सकते हैं कि अब लोगों को उनके हाल पर एक तरीके से छोड़ दिया गया है, जिस तरीके से कोरोना का स्प्रेड हो चुका है कम्युनिटी लेवल पर। शुभा राहुल जी, जी हाँ, कम्युनिटी लेवल पर तो, लेकिन यहाँ पर अभी देखना चाहिए कि उनके पास कौन सा ऐसा सोर्स हो गया कि उन्हें कोरोना की बाधा होगी, ये भी देखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि अमिताभ जी को हुआ है इसलिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हर झोपड़ी में या तो चाली में रहने वाला भी इससे बाधित हो रहा है, तो इसका मतलब ये कम्युनिस्ट स्प्रेड है। लेकिन ये हवा में से भी स्प्रेड हो रहा है, बारिश आ रही है, जहाँ पे भीड़ का एरिया है वहाँ पे लोगों को हमने क्वारंटाइन किया है, अलग से व्यवस्था की है। जैसे धारावी का हमने बहुत अच्छा एक उदाहरण सेट किया है, धारावी में हमने कॉम्बिंग एक्शन की थी। कॉम्बिंग यानी जिनको जी जरा भी अगर सिम्टम से उन्हें हमने कॉम्बिंग करके अलग से क्वारंटाइन किया था, इसलिए धारावी में कंट्रोल में आ चुका। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न सबब और वेस्टर्न सबब में बढ़ रहा है, तो वहां पे भी हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बढ़ाए हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अमिताभ जी को किस तरह से ये सोर्स हुआ, कहाँ से ये इन्फेक्शन हुआ, उसका भी यहाँ पर संशोधन चालू है। देखिए, आपने धारावी मॉडल का जिक्र किया और उसकी तारीफ WHO की तरफ से भी की जा चुकी है, उस फ्रंट पर अच्छा काम हुआ है और इसमें धारावी के लोगों की भी भूमिका है जिन्होंने बहुत ही अनुशासित होकर कोरोना से जमकर लड़ाई लड़ी है। अभय दुबे जी, आप कांग्रेस के नेता है, मुझे जरा बताइए वही सवाल जो मैं शहनवाज हुसैन से पूछ रहा था, शुभा राहुल से जो मैंने पूछा, कि अमिताभ बच्चन तो दरअसल एक प्रतीक मात्र है, वो प्रतीक है उस चीज के कि किस तरीके से एक आदमी अनुशासित रहता है, उनके पास वो तमाम सुविधाएं हैं कि जरूरी नहीं है कि हर रोज वो घर से बाहर निकलें, घर के अंदर रहते होंगे तब भी उनकी दिनचर्या चलेगी, जब उन तक ये बीमारी पहुंच जा रही है तो एक आम आदमी जो हर रोज घर से बाहर निकल रहा है कामकाज के लिए वो कहां तक बचेगा अगर सरकार अलर्ट नहीं रहेगी, अगर सरकार तमाम तरह की व्यवस्था नहीं करेगी। अखिलेश जी बिल्कुल ठीक है, आपने जैसे शाहनवाज जी ने शुरू किया कि ये संपन्नता विपन्नता नहीं, सीमा नहीं देखता, तो देश की सीमा में चीन घुसा है, सीने में कोरोना है और सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है। मैं हतप्रभ हूँ, 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में ये बात कही थी कि जुलाई के माह में पीक इसका आएगा और सबसे अधिक केसेस जुलाई और अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसके होंगे। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 75 वर्चुअल रैली प्लान की, हर एक प्रदेश के में जहां भी इलेक्शन है वहां पर ये व्यस्त हैं, उसमें जहां सरकारों को अस्थिर कर सकते हैं वहां उसमें व्यस्त हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज भी हमारा 1 मिलियन, देखिए हमारा टेस्टिंग रेट सबसे कम हिंदुस्तान का है, वो फैसिलिटेट केंद्र सरकार को करना था, हमारी राज्य सरकारों को स्ट्रेंथनिंग नहीं किया, राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों से लड़ रही है। मेरा सीधा आरोप है कि ये निग्लिजेंस है केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि ये बोलने के बावजूद उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एम्स के डायरेक्टर ने कहा और कैबिनेट सेक्रेटरी ने नीति आयोग के माध्यम से सारे चीफ सेक्रेटरीज को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था उसी महीने में और ये बताया था कि इस माह में देश में सबसे ज्यादा केसेस आएंगे। तो मैं मानता हूं कि विश्व में तीसरे स्थान पर भारत आ गया और ये गंभीर लापरवाही सरकारी स्तर गंभीर लापरवाही है। मुझे लगता है मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले शहनवाज हुसैन साहब जरा एक प्रतिक्रिया इस पर आप दीजिए। अभय दुबे का ये कहना है दरअसल कि कोरोना से लड़ने की बजाय आपकी सरकार विरोधियों से लड़ रही है, चुनावी रैलियों में व्यस्त है। देखिए माननीय अभय दुबे जी से जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब उन्होंने, इस महामारी की जगह कांग्रेस अपनी महामारी के बारे में बता रही है, यानी वो कहने लगे चाइना घुस आया है। अरे क्यों दुष्प्रचार कर रहे हैं, चाइना अपनी सीमा में चला गया है। दूसरा, हमारी वर्चुअल रैली हो रही है, हमारी वर्चुअल रैली जो होती है वो सब लोग जूम पे अपने घर से होते हैं, आप इस तरह का दुष्प्रचार क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात ये है, कोरोना में जहां राज्य सरकारें आपकी भी हैं कई जगह, वो भी इसको हैंडल कर रहे हैं। जो धारावी मॉडल की बात कही गई, WHO ने तारीफ की, दुबे जी वो आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में, उसका भी जिक्र किया गया, इसको आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं। मैंने ओपनिंग रिमार्क में इसको राजनीति से नहीं जोड़ा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोरोना से लड़ना है तो इकट्ठे होकर लड़ना है। आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, आपकी अपनी सरकारों के बारे में कह रहे हैं,
आपको कांग्रेसी को कांग्रेसियों पर भरोसा नहीं है, आपकी खुद की सरकार आपकी अपनी गलतियों से जा रही है, उसका इल्जाम कोरोना पर डाल देते हैं। किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। डॉक्टर अंशुमान कुमार को मैं बहस में लाना चाहूंगा, बड़े डॉक्टर हैं देश के आप। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जब हम अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि उसका बड़ा सीधा सा एक मतलब है कि जब उन तक ये बीमारी पहुंच सकती है, जब ये वायरस पहुंच सकता है, तो एक आम आदमी कहां तक फिर सुरक्षित है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए, ह्यूमन डीएनए चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए, वो चाहे तो सेलिब्रिटी का हो या कॉमन मैन। नहीं नहीं, सेलिब्रिटी से मेरा मतलब एडवाइजरी की भी बात हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ दूं, अपनी बात आप विस्तार से रखिएगा। सेलिब्रिटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस किसी सेलिब्रिटी को देखकर डर के वहां से लौट जाता है, वापस भाग जाता है और गरीब आदमी के घर जाता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अमिताभ बच्चन तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का पालन करते होंगे, ये बड़ी साधारण सी बात है। वो वैसे भी अनुशासित इंसान है और जिस तरीके का उनका अपना एक स्टेटस है, पैसे वाले लोग हैं, सुविधा संपन्न लोग हैं, तो अपनी दुनिया उनकी अपना अलग होगी भी, जरूरी नहीं कि लोगों के संपर्क में वो आ रहे होंगे, अलग तरीके से जी रहे होंगे, इसके बावजूद उन तक वायरस पहुंच गया। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। तो इसी चीज को कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, मतलब जब आप कॉन्टेक्ट ट्रेस नहीं कर पा रहे हो और इंसान में होने लगे। जी जी एग्जैक्टली, तो इस कंडीशन में आप एक दो बातें समझने की जरूरत है बहुत वैज्ञानिक तथ्य के साथ। कि एक चीज तो ये कि आप सोच ले कि वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो मतलब मौत होती है, बिल्कुल नहीं है। इसमें अति गंभीर रूप लेना या डेथ होना एक्सेप्शन है, रिकवरी इज द रूल इन कोरोना पैंडेमिक, पहला ये समझना है। दूसरी बात क्या समझने की, अनलाइक अदर संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, कॉमन फ्लू, सीजनल फ्लू, उसमें एक एस शेप का इन्फेक्शन रेट होता है, बढ़ता है और धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। इसमें लीनियर जा रहा है, पूरे वर्ल्ड की एपिडेमियोलॉजी को देखिएगा तो स्ट्रेट अप जाता है, सुपर लीनियर होता है, तब जाके कहीं फ्लैटनिंग होती, इतनी जल्दी नहीं होती है फ्लैटनिंग। इसमें बिल्कुल अभी जो केसेज बढ़ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा डबलिंग टाइम की बात होती थी, तो पहले जब 10,000 केसेज 20,000 होते थे तो कम बढ़े, अब जब 8 लाख केसेज 16 लाख होंगे तो सोचिए नंबर्स कितने बढ़ेंगे। तो सबसे जरूरी क्या है, पैनिक बटन नहीं दबाना है, केसेज बढ़ेंगे मेडिकली ये तय है, इन्फेक्शस डिजीज है जब इतने लोग हो गए। दूसरा, इंडिया एक वेरिएटेड कंट्री है जिसमें बड़ी मिक्स पॉपुलेशन है, स्लम, रूरल, अर्बन और माइग्रेशन, ये सारा बहुत मिक्स है। लॉफुलनेस, साइंटिफिक टेम्पर की थोड़ी कमी जरूर है हमारे इंडियंस में, इसके कारण इसको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। मैं दर्शकों को दे दूं, उसके बाद में डॉक्टर राजेश पारीख आपके पास आऊंगा। दरअसल हर रोज सामने आ रहे हैं वैश्विक कोरोना मामलों में भारतीय मरीजों की जो हिस्सेदारी है वो देखिए किस तरह से बढ़ चुकी है। आप गौर कीजिएगा, औसतन हर रोज 100 कोरोना मरीजों में से 12 भारतीय होते हैं। बीते हफ्ते ये आंकड़ा 8.5% था, यानी करीब करीब 3.5% की वृद्धि हो चुकी है। तो क्या ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं होगी डॉक्टर राजेश पारीख, और क्या सरकारों की अब ज्यादा भूमिका नहीं होनी चाहिए इसमें? जी, अभी जो आपको बताया गया है उस पे मैं सिर्फ दो चीज ऐड करना चाहता हूं जिससे हम ठीक तरह से इस बीमारी और वायरस को समझ लेंगे। अभी जो डॉक्टर साहब आपको बोल रहे थे डबलिंग रेट 8 लाख से 16 लाख ऐसे, उसका एक टेक्निकल टर्म होता है, उसको आर नॉट यानी आर शून्य बोलते हैं। आर शून्य का अर्थ ये है कि एक मरीज से कितने मरीज तक वो फैल सकता है। तो अगर आर नॉट 2 होगा तो 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है। इस बीमारी का आर नॉट सभी जगह 2 और 3 के बीच में है, यानी लगभग 2.5 है। अभी जब 2.5 का आर नॉट होता है तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी चल के यहां से चांद तक जाएगा तो बस 22 स्टेप्स में वो पहुंच सकता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे। तो ये बहुत ही जल्दी फैल सकता है। दूसरी बात यह है कि यह अपने ही देश में नहीं हुआ है, यूके में बोरिस जॉनसन जो लीडर थे वो बीमार पड़ गए, ब्राजील के अभी प्रेसिडेंट बीमार है, ईरान में बहुत ही सारे पॉलिटिशियंस बीमार पड़ गए हैं, चीन में हुआ है और साउथ कोरिया में भी हुआ है। तो ये तो नेचुरली है कि ये वायरस फैलेगा और पॉलिटिशियंस में भी जाएगा और जाहिर है पॉलिटिशियंस में भी जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा ही। और तीसरी बात यह है कि जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हमारे देश में 10 लाख लोगों में सिर्फ करीब 9,000 लोगों में टेस्ट हो रही है, यूएसए में 10 लाख लोगों में 1,25,000 टेस्टिंग हो रही है, यानी 10 टाइम से ज्यादा, 12 टाइम।
रशिया में। तब तो डॉक्टर राजेश पारिख जी, जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में यूएस की तरफ टेस्टिंग शुरू हो जाए तब तो हम नंबर वन में पहुंच सकते हैं कोरोना के मामलों में, फिर तो दुनिया में मुझे तो लगता है हम लोग पहुंचेंगे ही। और ये समझ लीजिए आप कि टेस्टिंग से जो आता है वो सिर्फ हमको बीमारी दिखा रही है। तो जब टेस्टिंग होता है तो केस अनकन्फर्म्ड होती है, वो कन्फर्म हो जाती है जी। जो हमको मालूम है उसका हमको एक प्रूफ मिलता है। तो अगर हम अनकन्फर्म्ड केसेस देखेंगे तो जैसे टेस्टिंग बढ़ जाएगा, रशिया में 1,35,000 लोगों का 10 लाख में हो रहा है और हमारा 9,000 हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है मैं जवाब इस पर ले लूं शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज हुसैन साहब, ऐसा क्यों है, क्यों हम इतना कम कर रहे हैं टेस्ट, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, कोई मंशा ऐसी नहीं है कि हम कम कर रहे हैं, बल्कि टेस्टिंग धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। और जिस तरह जो टेस्ट कराना चाह रहे हैं, जिनकी जिनको भी शिकायत आ रही है उनको कहीं से भी मना ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम दिखते हैं तो तुरंत उसका टेस्ट नहीं नहीं तुरंत तो नहीं हो रहा है शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपको बता मतलब, दूं कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते फिरते हैं कि मुझे तो दो दो चार चार दिन से बुखार है, डॉक्टर उन्हें साधारण दवाइयां देकर घर भेज देते हैं। तुरंत तो नहीं हो रहा है, आप नहीं कह सकते हैं। तमाम जद्दोजहद एक आम आदमी कर रहा है टेस्ट के लिए, अभी भी कोरोना टेस्ट। जिनको जिनको लगता है डॉक्टर्स को इनका टेस्ट होना चाहिए, अब टेस्टिंग लैब, अब टेस्टिंग की जो सुविधा है वो पहले से काफी बढ़ी है और उसमें कहीं पर कोई दुश्वारी नहीं आ रही, ये सही है। हम दुआ करते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले ये प्रतिस्पर्धा जो है हम न बढ़ाएं। हमें अभी भी दुनिया की आबादी, बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ, उसके मुकाबले हम कोरोना से एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं और WHO से लेकर सब जगह इसकी तारीफ भी हुई है। लेकिन हमें एहतियात रखना होगा, हमें और ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे अमिताभ जी ने तो खुद भी एड किया कि आप एहतियात रखिए, वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, लेकिन उन तक को हो गया। तो आप समझ जाइए कि अगर ये बीमारी ऐसी है, आप कहाँ इससे कनेक्ट कर जाएंगे, इससे आपको खुद ही बचना होगा। सरकार उसके लिए सरकार बचना तो होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हम लोग भी बार बार अपील कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी बात ये कही जा रही है कि फिलहाल कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन क्या है? वो है सोशल डिस्टेंसिंग, उसका हर किसी को ख्याल रखना है। लेकिन सिर्फ यही करके लोग बच नहीं सकते हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से अब कम्युनिटी लेवल पर यह स्प्रेड है। डॉक्टर राजेश पारिख, आपने तो बकायदा किताब लिखी है कोरोना पर और उसमें अमिताभ बच्चन के कुछ कोट्स का भी आपने जिक्र किया है और आज यही अमिताभ बच्चन भी कोरोना संक्रमित हो गए। जी, तो क्या हुआ था, हमने एक किताब जनवरी में लिखी थी, फरवरी तक ये किताब कंप्लीट हो गई थी। तब तो अपने देश में 80 से कम केसेस थे, US में 50 से कम थे। सब लोग बोल रहे थे तो चीनी बीमारी है, वुहान में ही रहेगी। जब हमने किताब शुरू किया था वुहान में थी, लेकिन जैसे हमारा पहला ड्राफ्ट, पहला जो वर्शन किताब का रेडी हो गया, मैंने अमिताभ जी के घर पे भेजा, उनको भेजा क्योंकि मैं उनको मिलता हूँ कभी कभी, और उनकी एक दिन में 300 पन्ने से ज्यादा किताब पढ़ ली और दूसरे दिन ट्वीट कर लिया किताब के बारे में, उन्होंने कुछ लिखा जो अभी किताब के कवर पे है। और तो वो पूरी जानकारी उनके पास थी, वो पूरी जानकारी होने से, और वो खुद बहुत ही डिसिप्लिन्ड आदमी है, तो उन्होंने जब केस माइल्ड थी तभी वो खुद अस्पताल में चले गए और इससे वो जरूर ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बात हो रही है, आप पूछ रहे थे इनसे सवाल टेस्टिंग का, अभी गए 3 दिन से बंबई में, महाराष्ट्र में बंबई में, किसी को भी टेस्ट करना है तो खुद करवा सकता है। पहले ये नहीं था, पहले डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लगता था और आप जो बोल रहे हो सही है, डॉक्टर फिर बोलते थे कल देखेंगे परसों देखेंगे, लेकिन अभी कोई भी टेस्टिंग कर सकता है अपने आप। तो गवर्नमेंट ने भी ये इसको अभी आसान किया बिल्कुल है। और ये देखिए पूरे देश भर में यही स्थिति होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि लोगों को अगर जल्द से जल्द इसके बारे में पता चल जाए तो इलाज भी जल्दी शुरू कर देंगे और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अभय दुबे जी, आपकी क्या शिकायत है? बार बार जो आप कह रहे हैं कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए गंभीर नहीं है, इसके पीछे आपका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, जरा आप साधारण भाषा में लोगों को समझाइए बिना राजनीतिक रंग दिए हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी भी सरकार है, आपको याद रखना होगा, और सबसे अधिक कोरोना के मामले महाराष्ट्र में ही है। देखिए, राजनीतिक रंग देने की बात नहीं है, आप याद करिए जब एंटीबॉडी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की बात हुई थी और हमने चाइना को ऑर्डर किया था, चाइना ने हमको सप्लाई करने की बजाय वो हमारे सारे ऑर्डर्स डाइवर्ट कर दिए। बड़ा विषय ये है जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है,
कि 8000 टेस्ट 1 मिलियन पर 8191 टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो बहुत कम है। दो महीने पहले सौम्या स्वामीनाथन, जो WHO की चीफ साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात कही थी जब हिंदुस्तान में देखा कि हम क्लेम करते थे कि हमारे इतने जिले देश के ग्रीन हैं, तो उन्होंने कहा कि इस भ्रम में पड़े रहिए, आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो ग्रीन रहेंगे मगर ये बीमारी फैलती जाएगी। तो हम सचेत समय पर नहीं हुए, और ये बात मैं इस बात से डॉक्टर साहब की सहमत हूँ, कई राज्यों में आज भी ये स्थिति है कि प्राइवेट लैब्स को डरा कर कहते हैं कि आप टेस्टिंग रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं करेंगे और लोगों के टेस्ट नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, सरकारें इस डिफेमेशन से डरती है कि अगर टेस्ट ज्यादा हुए, ज्यादा लोगों का अनाउंसमेंट हुआ तो हम डिफेम होंगे, जबकि ये विश्वास दिलाना चाहिए था देश की सरकार को, राज्यों को, कि चाहे संख्या बढ़े लेकिन हमने किया ये लॉकडाउन करके इकोनॉमी को कंटेन कर लिया, कोरोना वायरस को कंटेन नहीं कर पाए, हम फैसिलिटेट नहीं कर पाए, हमने वो फैसिलिटी डेवलप नहीं की जो हमारे पास बहुमूल्य समय था वो हमने गवाया। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या बहुमूल्य समय हमने गवा दिया जो लंबे वक्त तक लॉकडाउन रहा, और शायद यही वजह रही कि अब ये दो दो दिन वाले लॉकडाउन का फॉर्मूला शुरू हो गया वीकेंड में, इससे क्या हो जाएगा अब? नहीं, मैं दुबे जी से एकदम सहमत हूँ कि इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में जो बातें कही हैं कि वो मौका महाराष्ट्र सरकार ने गवाया, ये सही कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह सबसे ज्यादा हुआ और उसके बारे में मैंने तो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बात कही है कि दवा दिया उन्होंने, तो इसलिए हमने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा महाराष्ट्र में पालिए खुश फहमी। नहीं नहीं, अरे भाई दुबे जी, आपने कहा तो मैंने वही समझा, पहले प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, अपने आप तो हर बात में कहा कि 27 अप्रैल को उनको इस बात को देश के सभी राज्यों को कहा था, उनके कहने के बाद वो अपने राजनीतिक में लग जाएगा। चलिए जल्दी से शाहनवाज हुसैन साहब, जल्दी से जरा बोल दीजिए और अपनी सहूलियत के मुताबिक मत समझिए बातों को। मैं सहूलियत, देखिए जब डॉक्टर साहब ने बताया कि महाराष्ट्र में अब कोई भी टेस्ट करा सकता है, फिर दुबे जी बोले, तो मैंने ये समझा कि महाराष्ट्र के बारे में बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, मैं सहमत हुआ, इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के पार्टी, कांग्रेस के आपकी जो मासूम हंसी है ना शाहनवाज हुसैन साहब, वो सब कुछ बयां कर रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मैं आप ही से शुरू करूंगा, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा, और सवाल मेरा वही रहेगा कि जब लॉकडाउन लंबे वक्त तक रहा इस देश में, उसके बाद आखिर अब क्यों जरूरत पड़ रही है, ये दो दो दिन वाले लॉकडाउन का फॉर्मूला क्यों सरकार शुरू कर रही है वीकेंड वाला। आइए हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं और राजनीतिक मेहमानों के पास मैं जाऊं, उससे पहले डॉक्टर अंशुमन कुमार आपके पास मैं आना चाहूंगा, और सवाल यही है, जो सूरत हाल है, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, अनुपम खेर के परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, यानी क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी जद में आ रहा है, क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना चरम पर होगा हिंदुस्तान में? जी बिल्कुल, एग्जैक्ट तारीख बताना या तिथि या महीना बताना कि किस समय कोरोना का पीक होगा, जो काफी क्वेश्चनेबल डिबेट चल रहा है, मुश्किल है। पहले भी मैंने कहा इंडिया एक वेरिएटेड कंट्री है, और अभी प्रिज्यूम कर लेना कि इसमें पीक होगा, और पीक किसको कहते हैं, जैसा मैंने बताया लीनियर ग्राफ पे होता है, इसको डिफाइन करना डिफिकल्ट है, मतलब कोरोना के केसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज ये अगर पता हो कि ये महीना पीक होने वाला है तो हम लॉकडाउन करके उस महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए शुरू से आपके चैनल पे भी मैं कहता हूं एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। जो एडवाइजरी जारी की उसको फॉलो कीजिए, लॉकडाउन को एक्सटेंड करते रहना सॉल्यूशन नहीं है, केसेज अभी बढ़ेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, जवाब दीजिए, आपने सुना डॉक्टर अंशुमन कुमार को, वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, जो सरकारें एक्सटेंड कर रही हैं, वो कोई समाधान नहीं है, और खास तौर पर जो ये वीकेंड वाला लॉकडाउन शुरू किया गया है, इसे क्या हासिल करना चाहते हैं आप लोग? नहीं देखिए, डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि अभी इसके पीक के बारे में अलग अलग लोगों की राय है, और ये सही है कि भारत में 10 लाख की आबादी पर करीब 538 केस हैं, और अभी भी 4,76,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, ये भी सही है। 10 लाख की आबादी पर करीब 15 लोगों की मौत हुई है, और अन्य देशों की तुलना में हम कोरोना से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारे डॉक्टर्स जिस बहादुरी से उसको लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। ठीक है, अब ये है कि वीक जो लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन को कई जगह जैसे अलग अलग राज्यों में ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से राय करके एक्सपर्ट से उसको तय करें, तो वीकेंड का लॉकडाउन भी कई जगह इसको शुरू किया है कई राज्यों ने, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने, जी
जी जी, ये हम उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया, बिहार में भी आप देखिए हमारे यहाँ कई शहर में लॉकडाउन किया, पटना में जी, पटना भागलपुर में ऐसे, भागलपुर हमारे जिले में भी, तो इस तरह कई जगह इस लॉकडाउन को करने का काम किया। चलिए शाहनवाज जी, कहना है कि जी जी, जी, जी। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमानों का भी हम रुख कर रहे हैं, उससे पहले जरा नानाभट्टी हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। मुंबई में नानाभट्टी हॉस्पिटल से हमारे साथ रवि जैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, कुछ अपडेट, कुछ और ताजा जानकारी मिल रही है क्या वहां से? डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि अमिताभ बच्चन खुद ट्वीट करेंगे अपनी अपनी सेहत के बारे में, उन्हीं की ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है कि वो हेल्थ अपडेट क्या देते हैं। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के ट्वीट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंसारी हमें लगातार सुबह से बता रहे थे कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें कहा है कि वो खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे जो सहयोगी हैं मृत्युंजय ने एक बहुत अहम खबर अभी बताई है, उसके बारे में मैं अपडेट कर दूं कि अमिताभ बच्चन के यहाँ काम करने वाले 28 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। ये सभी बच्चन परिवार के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, ये हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होने की वजह से इन्हें जलसा और जनक बंगले पर क्वारंटाइन किया गया है, और थोड़े ही समय में इनका कोविड टेस्ट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट कल शाम तक आने की उम्मीद है। 54 में से बाकी 26 कर्मचारी जो हैं लो रिस्क कॉन्टैक्ट में हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। तो अभी अभी हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने यह बहुत बड़ी खबर वहां से दी है कि 28 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिन्हें जलसा और जनक बंगले में क्वारंटाइन किया जाएगा, और बाकी जो 26 कर्मचारी हैं वो लो रिस्क कॉन्टैक्ट में थे, लो रिस्क है उन्हें, तो इसलिए उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये मृत्युंजय सिंह ने, हमारे संवाददाता ने, बहुत बड़ी खबर अभी अभी ब्रेक की है। सुबह से बीएमसी की जो टीम है लगातार जलसा बंगले पर मौजूद है, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, उनके जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही थी, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर मृत्युंजय ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए रवि जैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। शुभा राहुल जी, अब आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, आप शिवसेना की प्रवक्ता हैं और शिवसेना के नेतृत्व में वहां सरकार भी है महाराष्ट्र में, क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से कोई बड़ी चूक हुई है? आखिर महाराष्ट्र नंबर वन क्यों है कोरोना के मामले? शुभा जी, क्या मुझे सुन पा रही है? अभय दुबे जी, आप ही जवाब दे दीजिए, आप लोग तो वहां सरकार में सहयोगी भी हैं, कोई चूक हुई है महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव सरकार से, क्यों महाराष्ट्र नंबर वन है कोरोना के मामलों में? नहीं देखिए, महाराष्ट्र स्वाभाविक रूप से, चूंकि ये बीमारी पासपोर्ट के थ्रू आई हिंदुस्तान में है, तो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र ही होना था। जो एब्रॉड से आने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र में ही सबसे पहले आएंगे, और सीधी जिम्मेदार मैं इसको केंद्र सरकार को मानता हूँ। आप ये देखिए कि उन्होंने, उनको जबकि सब पता था, जावड़ेकर, मतलब महाराष्ट्र सरकार की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि राजनीति ना हो कोरोना के मामले में, और आप खुद राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्या किया है। जब लॉकडाउन खोलने की हम तैयारी कर रहे थे, तब हमने इकोनॉमी को तो खोलने की तैयारी की। मैं शुरू से कह रहा था कि जब हमने डिफाइन कर रखा था कि ये रेड, येलो और ग्रीन हॉस्पिटल्स हैं, जहां लक्षण वाले मरीज हैं वो येलो में दिखाए जाएंगे, जिनको कोई लक्षण नहीं, साधारण बीमारी, वो ग्रीन में दिखाएंगे, और जो कंफर्म्ड है वो रेड में ट्रीट किए जाएंगे। मैं दर्शकों तक कुछ नई जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। सर, आपको मैं समय दूंगा, बाद में बोलिएगा, लेकिन जरा हम अमिताभ बच्चन के बंगले का रुख करना चाहेंगे। जलसा से हमारे साथ रेणु चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। रेणु, कुछ और जानकारी भी वहां से मिल पा रही है क्या आपको? देखिए अखिलेश, अभी तक की जो जानकारी सबसे पहले सामने निकल के आई थी, तो वो ये थी कि ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन जो हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं। अब इसके साथ में उनसे जुड़े हैं लोगों से भी जानकारी निकल के आ रही है। ये बताया जा रहा है कि जो 28 लोग उनके साथ में संपर्क में थे, उनमें से 28 लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया है, और इनके बंगले जलसा और जनक में ही किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इनके संपर्क में थे, इसलिए इन्हें यहीं पर क्वारंटीन किया जाएगा और इनका टेस्ट जो है वो किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट कल आएगी। तो सबसे बड़ा अपडेट, रेणु अपनी बात आप बताते रहे, साथ में जरा कैमरामैन को बोलिए कि हमें दिखाएं दर्शकों को कि इस वक्त किस तरह की हलचल उस बंगले में नजर आ रही है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके पीछे? जी अखिलेश, जलसा का जो हम आपको दृश्य दिखाना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है बीएमसी द्वारा। यहाँ पर जुहू पुलिस स्टेशन के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी तैनात हैं, और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि
सुबह 10 बजे से ही बीएमसी यहां पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही थी। उनकी चार टीमें जो यहां पर पहुंची हुई थी, आप देख सकते हैं यहां पर जो हलचल है वो अभी फिलहाल के लिए कम है, क्योंकि बीएमसी कर्मचारी जो है सैनिटाइजेशन का काम कर वो ये काम पूरा कर चुके हैं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर बीएमसी द्वारा शुरू की गई थी। और ये जो तीनों बंगले हैं यहाँ पर जुहू में स्थित, जो जनक है, प्रतीक्षा है, जलसा है, इन तीनों को सील कर दिया गया है कंटेनमेंट जोन। और यहाँ पर बीएमसी द्वारा यहाँ नोटिस भी लगा दिया गया है, इन्हें साफ तौर पर एक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल डॉक्टर राजेश पारिख आपसे है। चूंकि अमिताभ बच्चन के बंगले का दृश्य हम दर्शकों को दिखा रहे थे, अमिताभ बच्चन वो शख्सियत हैं जो अपने जीवन में कई बार कमबैक कर चुके हैं, चाहे वो करियर के फ्रंट पे हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर पर्सनल लाइफ में हो, या फिर बीमारियों से लड़ने के मामले में हो। तो हम सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से किसी योद्धा की तरह अमिताभ बच्चन अस्पताल से बाहर आएंगे कोरोना को पराजित करके। उस दृश्य का हर किसी को इंतजार है, उस तस्वीर का। जी, तो मैं आपको जरा जवाब देके, आप अगर मुझे अनुमति देंगे तो मैं जरा चलूंगा, क्योंकि अस्पताल से मेरे लिए फोन आ रहे हैं, तो मैं जल्दी आपको जवाब दे देता हूं। तो आप सब जानते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी लड़ाई 1982 में जीती थी, जब वो एकदम ही बीमार थे और वो कई बीमारियों से निकल गए हैं। और इस वक्त वो जल्दी आ गए अस्पताल में, उनको काफी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सबका ख्याल रखा है, खुद का एक ख्याल नहीं रखा है। और एक बात है कि जिसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1978 में एक बहुत अच्छा स्टडी हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, डॉक्टर बर्ड ने किया था। उसमें उन्होंने क्या किया, 400 मरीजों, कार्डियक मरीजों को दो ग्रुप में लगाया, दोनों ग्रुप को दवाई मिली, लेकिन एक ग्रुप को दवाई से भी लोगों की दुआ मिली। और उन्होंने देखा कि इसका कुछ असर होता है क्या लोगों पर, और उन्होंने ये दिखाया कि जिनको दुआ मिलती है दवाई के साथ वो जल्दी रिकवर होते हैं, अच्छी तरह से रिकवर होते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि सबकी दुआओं से वो भी जल्दी इसमें से निकल। बिल्कुल, और अपने देश में तो हम कहते भी हैं कि दवाओं से ज्यादा दुआओं का असर होता है, तो हर किसी को यही इंतजार है। चूंकि अमिताभ बच्चन के तो करोड़ों करोड़ फैंस हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, और हर कोई दुआ कर रहा है। तो जल्द से जल्द महानायक हमारे बीच एक बार फिर से होंगे स्वस्थ होकर, हम सबकी यही कामना है। तो कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में फैलता ही जा रहा है, क्या आम और क्या खास, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कुल मिलाकर जो एक बड़ी तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड का ही मामला है, चूंकि अब ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसे कहां से ये बीमारी हो रही है, कौन कहां से संक्रमित हो जा रहा है। ऐसे में शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, इस सूरत हाल में भी देश में कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति क्यों है कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी हो रही है? क्या सरकार को जिस तरह की मुस्तैदी दिखानी चाहिए, जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए, वो नहीं है? देखिए, इसमें 11 तारीख को भी एक बैठक हुई, 9 जुलाई को भी पीछे, जो एक कोरोना के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत दुश्वारी ना आए इसके लिए में ये किया गया कि 377,737 आइसोलेशन बेड हैं, 39,820 आईसीयू बेड हैं, 142,415 ऑक्सीजन सिलेंडर बेड और करीब 247 वेंटिलेटर के साथ आज देश में ये सारी सिस्टम है। ये पूरे आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे आंकड़े और ज्यादा है। मैं अखिलेश जी कहता हूँ, जो लोग एबीपी न्यूज देख रहे होंगे, जब ये बीमारी आई तो ना हम पीपी किट बनाते थे, न 95 मास्क बनाते थे, न वेंटिलेटर हम बनाते थे। सारी चीजों को पूरा करने का काम बहुत ईमानदारी से, पूरी ताकत से सबने मिलकर किया है। आप भी, मीडिया का भी एक बड़ा रोल है, आपने बहुत जागरूक इसको किया है। देश के प्रधानमंत्री 24/7 इस काम में लगे हैं कि कोई दुश्वारी किसी को ना हो, तो और राज्य सरकार के साथ भी अच्छा तालमेल है। जी, तो अभय दुबे जी, सिर्फ राजनीति आपको ये क्यों लगता है कि फिर सरकार कुछ नहीं कर रही है? राजनीतिक तौर पे बताया मैं। नहीं, देखिए, वो तो आंकड़े लेकर बैठे हुए शाहनवाज हुसैन, आपको बता रहे हैं। नहीं, 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर जी ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री जी लगातार जनवरी से ही चिंतित थे और मीटिंग में वो कह रहे थे। फिर प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च तक क्यों प्रतीक्षा की जानते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार अस्थिर होकर गिर नहीं जाए, तब फिर तक उसी बात पे आ जाते हैं आप लोग। एक फिर दूसरा बड़ा प्रयास, देखिए 101
एक चार्टर फ्लाइट से सुपर रिच लोगों को पहले से बताकर हिंदुस्तान बुलाया, फिर 21 मार्च के बाद एयर स्पेस हिंदुस्तान का बंद किया, 24 मार्च तक ये वेंटिलेटर तक एक्सपोर्ट कर रहे थे, नोटिफिकेशन हमने बताया। फिर से वही बात शुरू हो गई, राजनीतिक तू तू मैं, समय मेरे पास नहीं है, बीच में आप तमाम लोगों को मैं रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एक ऐसे हालात में देश फंसा हुआ है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आम और क्या खास, हर कोई कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो, मुस्तैद हो और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों का पालन करें।